रत्नागिरी सिटी वॉक टूर में फर्स्ट स्टेशन में मतलब सुबह के समय हम लोगों ने सबसे पहले तिलक जन्म स्थान देखा, उसके बाद पतित पावन मंदिर देखा, श्री राम मंदिर देखा और फिर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर देखा। उसके बाद खा पी के घर में रेस्ट लिया और निकल पड़े। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिन में तारे देखने के लिए। प्लैनेटोरियम। यस, प्लैनेटोरियम। चलो दिन में तारे देखते। तो तारांगण अगर आने का है प्लैनेटोरियम तो सिटी स्टैंड से रत्नागिरी का, ये जिला परिषद का स्टैंड है, इधर यहाँ पे उतरने का और उसके बाजू से रास्ता जाता है यहाँ से। चलो इस भाग में हम लोग देखेंगे तारांगण और भाटिया बीच। तो यह आ गया श्रीमान हिंदू देश सम्राट बाड़ा साहेब ठाकरे तारांगण। हम लोग जिस दिन तारांगण देखने गए थे, इस तारांगण का इनॉग्रेशन उससे 15 दिन पहले ही हुआ था। तारांगण का परिसर बहुत बड़ा था, लगभग 3 से 3.5 एकड़ के ज़मीन पे था। तारांगण एक्चुअली जो ग्लोब है वो छोटा है, लेकिन उसके आसपास इतना सुंदर गार्डन बनाया, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। यहाँ पर जाइए तो आप इसको मिस मत कीजिए रत्नागिरी में। इस काले शिला पर तारांगण का जो इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसका टोटल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स और डेट मेंशन किया हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये 16 दिसंबर को लोकार्पण हुआ है इसका, मतलब एकदम लेटेस्ट है। आज से लगभग 15 दिन पहले इसका शिला लोकार्पण हुआ है। अभी तारांगण मतलब प्लैनेटोरियम के अंदर तो पूरा अंधेरा होता है, तो कुछ शूट नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं, लेट्स सी। अंधेरे में भूत भी आ सकता है। जब आप मुख्य तारांगण में पहुंचेंगे, वहां पे आपको एक ये वाला जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट बलून दिखेगा और उसके आसपास उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, पानी रखा है, फव्वारे है, लाइटिंग भी है। रात को जाएंगे तो आपको लाइटिंग का जो ब्यूटी है वो देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे ही पूछा कि अंदर थोड़ा बहुत इधर मतलब बाहर के परिसर में शूट कर सकते कि नहीं, उन्होंने हाँ शूट कर सकते हैं, अंदर हॉल में मत करो। तो मैंने वैसे ही बोला अंधेरा है तो नहीं, बोले नहीं अंधेरा रहा तो भी मत करो, क्योंकि वहाँ पे 2 बड़े बड़े लेज़र बीम्स के शो रहते हैं जिससे तारे वारे सब दिखाते हैं, वो कैमरा ख़राब हो जाएगा, सेंसर ख़राब हो जाएगा लाइट अंदर गया तो। सही है, हमारा जो शो टाइम था वो शाम के 4 बजे था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही थी। मैं तो डर रहा था कि ये एस्ट्रोनॉट पंचर ना हो जाए। तारांगण का जो इंटरनल ग्लोब है, एक्चुअल ग्लोब, वो बहुत छोटा है, लगभग समझिए 100-150 लोगों को शायद सीटिंग कर सकता है, लेकिन साफ सुथरा है और बहुत प्लेजेंट है। तो शो खत्म हो गया, शो वाज रियली ग्रेट। शो का जो लैंग्वेज है वो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत अच्छे से डब किया है, ब्यूटीफुली मज़ा आ गया देख के। ये देखो इसका परिसर, जैसे कि मैंने आपको कहा तारांगण छोटा है लेकिन उसका जो पूरा परिसर है ऑलमोस्ट 3-3.5 एकड़ में बना हुआ है। एक फाउंटेन भी है, वो मोस्टली रात को शुरू होगा। आसपास ऐसा घूमने का जगह बनाया है और बहुत अच्छे से बनाया है। यही वो हॉल है जहाँ पर एक्चुअल शो चलता है, ओवल हॉल। ये तारांगण है रत्नागिरी का, तारांगण, तारा तारा तारांगण। तो ये कुछ इस तरह से डोम है, यहाँ पे प्रीमाइसेस और 3 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है ऑलमोस्ट। यहाँ से भी है, बहुत अच्छा जगह है ये, नया नया एकदम बना है। सुना है 16 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, सीसीटीवी सब जगह पर लगा हुआ है। मुझे लगता है इन फ्यूचर ये जो मिट्टी है यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, मतलब ग्रीनरी हो या कुछ हो,
यहाँ पे बैठने का अंदर जगह है, या तो ये स्टॉल्स बनेंगे, कुछ तो बनेंगे। ये मोस्टली एक वाटर टैंक है, या तो फिर क्लीनिंग का मतलब वो कहते हैं ना फिल्टर। तो बाला साहेब ठाकरे साहब के नाम पर बना ये तारांगन बहुत सुंदर है, आप लोग यहाँ पर आके देखिए इसको। यहाँ से मैं निकलता हूँ, अभी तारांगन देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाटिया बीच, ठीक है, चलो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये लोग चलने को नाटक कर रहे थे इसलिए ऑटो में बैठ गए। बहुत दूर है, कैसे चल के जाए? हाँ, 2 किलोमीटर। देखो 2 किलोमीटर अपने दोस्तों से मिलने के लिए 5-6 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन देखो वो डिफरेंट है, लेकिन बाटे बीच यहाँ से 2 किलोमीटर है तो उनको ऑटो चाहिए। अरे भाई देखते हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये ब्रिज खत्म होते से ही राइट साइड में भाटिया बीच शुरू हो जाता है। चलिए पहुंच गए भाटिया बीच के पास। यहाँ पे नाश्ता वास्ता रिफ्रेशमेंट का भी जगह है काफ़ी भरपूर। हेलो, हाउ आर यू? बच्चों के टाइम पास का पूरा व्यवस्था है इधर, और सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर खाने पीने के लिए भी ज़बरदस्त शैक्स लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे दुकान। लेकिन मुझे मेजरली जो दिखा वो है भेलपूरी और पानीपूरी। बच्चों का फुल टाइम पास की जगह इधर। काफी चहल पहल वाला बीच है। पानी में जाने का फुल प्लानिंग चालू है यहाँ पर, ये इसका फुल सैंड के साथ टाइम पास चालू हो गया है। मन मस्त मगन। ओहो, आहा, क्या बात है, आहा। थोड़े ही देर में फुल पैंट का हाफ पैंट बन गया। इवनिंग सनसेट का जो गोल्डन आर है वो ऑलमोस्ट चालू हो चुका था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सूरज तो था लेकिन ठंडा लग रहा था, सूरज का ताप नहीं लग रहा था। एज ऑलवेज मैं बना था केयर टेकर, सबके जूते, उसके बाद बैग, पर्स, सब मेरे पास ही था। ये स्लो मोशन एंजॉय कीजिए। बीच पर दूसरे लोकलाइट्स भी थे जो आसपास से आए थे, टूरिस्ट भी थे लेकिन लोकलाइट्स ज़्यादा थे, जो आसपास घरों में रहते थे वो लोग शाम बिताने आए थे। तभी एक छोटा सा बोट पीछे से पास हो रहा था जहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, और सीन को और भी फोटोजेनिक बना रहा था, मैंने इसको शूट कर लिया। ये आपको दिखा रहा हूँ एक 360 डिग्री व्यू भाटिया बीच का। एक तरफ जो सारे लोग हैं, भीड़ जमी है, वहाँ पे बच्चों खेल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा साफ़ सुथरा था, यहाँ पे हम लोग हमारे फैमिली खेल रहे थे। फिर जैसे जैसे घुमाते गया मैं कैमरा तो मुझे लोग बैठे हुए दिखे, और फिर घुमा के फिर सैंड दिखा, और फिर उस तरफ वापस सिटी में जाने का रास्ता। ये देखिए, ये बच्चों का एक टॉय ट्रेन दिखा वहाँ पे सुंदर सा, पीछे आप देख रहे वो बंजी जंपिंग के लिए एक अलग सा जो आता है वो, यहाँ पर एक बच्चा वो हेलीकॉप्टर जैसा एक आता है ना वो घुमा रहा था, फिर कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे थे वो भी डबल साइकिल। व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग टू एंड दिस ब्यूटीफुल संगमेश्वर नर्तकी ट्रिप। वाओ, ये शाम रत्नागिरी में आखिरी शाम था। दूसरे दिन हमें रत्नागिरी टू पनवेल का सफ़र करना था, ट्रेन 11 बजे था, तो जितना हो सके हम लोगों ने बैठकर इस शाम को एंजॉय किया।